हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अन्नू ट्यूटोरियल्स। आज के इस वीडियो में हम आपको सिंपल सिलाई मशीन से तुरपाई करना सिखाएंगे। हम हाथ से तुरपाई करते हैं तो हमारा बहुत सारा टाइम खर्च होता है, उस टाइम को हम बचाने के लिए इस मशीन से आपको तुरपाई करके हम सिखाएंगे। आप वीडियो को पूरा देखें और कहीं से स्किप ना करें ताकि आपकी समझ में पूरे तरीके से आ सके। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, मैंने आपको समझाने के लिए एक कपड़ा लिया है और इस मशीन में दूसरे कलर का धागा डाला है जिससे कि आपकी समझ में पूरी तरीके से आ सके। तो सबसे पहले आपको करना क्या है वो समझ लीजिए। तो देखो, सबसे पहले जैसे कि हम कहीं भी तुरपाई कर रहे हैं उस जगह को आपको फोल्ड करना है। इस तरह से कपड़े को फोल्ड करके यहाँ पे हमें बड़े बड़े टांकों वाली सिलाई लगानी है जिससे कि हम तुरपाई करने के बाद में उस सिलाई को हटा सकें। देखिए फ्रेंड्स, ये सिलाई यहाँ पर मैंने लगा ली है। ये सिलाई बड़े बड़े टांकों वाली है। देखिए, तुरपाई करने के लिए हम कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये सिलाई वाली साइड है, इसकी तरफ से कपड़े को इस तरह से फोल्ड करना है और सीधी साइड है उसको नीचे की साइड में ही इस तरह से रखना है। कपड़े को इस तरह से दबा के सिलाई को बड़े टांकों वाली रखना है और फिर इस पर सिलाई लगानी है। मशीन को ज्यादा स्पीड में नहीं चलाना है, हाथ से मशीन के हत्थे को घुमाना है जिससे कि हमारी तुरपाई है वो ठीक तरीके से हो सके। तो देखो, इस तरह से मशीन को धीरे धीरे चलाना है और ऊपर वाला कपड़ा है उसको बहुत कम सिलाई में लेना है। इस तरह से आपको यहाँ पे बड़े बड़े टांके लगाने हैं और ऊपर वाले कपड़े का बिल्कुल एक धागा ही सिलाई में लेना है। इसी तरह से हम पूरे कपड़े पर धीरे धीरे सिलाई लगा देंगे, फिर देखते हैं कि हमारी तुरपाई किस तरह से होती है। यहाँ पर मैंने पूरे कपड़े पर ये बड़े बड़े टांकों वाली सिलाई लगा दी है। फिर हम कपड़े को सीधा करके देखते हैं कि हमारी तुरपाई किस तरह की हुई है। तो देखो, कपड़े को इस तरह से सीधा करेंगे, यहाँ पर एक लाइन बनेगी और इस कपड़े को इस तरह से हल्का सा खींच देंगे। टांकों वाली सिलाई हमने लगाई है, इस सिलाई को हम हटा देंगे। देखिए, जैसे हम हाथ से तुरपाई करते हैं उसी तरह की तुरपाई हमारी मशीन से दिखाई दे रही है। हाथ से तुरपाई करते हैं जब भी ये टांके दिखाई देते हैं और मैंने ये मशीन से तुरपाई की है, आपको इसी तरह के टांके इसमें दिखाई दे रहे हैं। ये दूसरे कलर का धागा है इसलिए आपको ये ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। आप मैचिंग वाला धागा लेंगे तो एकदम तुरपाई आपकी परफेक्ट लगेगी। तो देखो, इस तरह से आप तुरपाई करके देखें और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू।